Assalamu alaikum. The UAP school system and Mansoor Hussain is always with you to help you out learning the English grammar. You know very well that joining words is very easy to think, to write, to learn, to speak everywhere. So that's it. I am here to make you understand about joining words in class 6. Everyone has to read out with me so that you can understand very easily that how to read and how to pronounce, how to understand this. Conjunctions are used to join words or sentences. If we join any sentences, for example, I want to write two sentences. So definitely there could be something between two sentences. So how will I write that? You will have to make a sentence and think like that. Come with one. Examples: and, but, or, no, neither, yet, still, because, so, as, why, even, although, when, how, so that, if, before, till. Join words. जब हम एक से ज्यादा सेंटेंसेस और एक से ज्यादा अल्फाज को ज्वाइन करते हैं तो हम इस तरह के कंजेक्शंस को यूज करते हैं। ये तमाम के तमाम जो मैंने लिखे हैं ये कंजेक्शंस हैं और इसके अलावा बहुत सारे कंजेक्शंस जो है हमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और दूसरे किस्म के डिक्शनरीज में दस्तियाब होते हैं। बट थिंग इज दैट बीइंग अ लर्निंग ग्रामर स्टूडेंट्स यू पीपल मस्ट रिमेंबर द वन थिंग। द थिंग इज दैट हाउ टू मेमोराइज, how to pronounce and how to understand. Every student must remember that wherever you are putting the joining words, wherever you are putting the conjunctions, you must remember what is the meaning of your conjunctions. Then I will make you understand about the meaning of these conjunctions. And, oh, but, lekin, or, yeah, no, nahi, neither, ये वाला नहीं, yet अब तक, still अब तक, because क्योंकि, so इसलिए, as ऐसा, while जबकि, even जैसा के, although हत्ता के, when कब या जब, how कैसे या ऐसे, so that ताकि, if अगर before पहले till अब तक। These are the joining words as I have told you। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे joining words होते हैं जिनको सीखना पढ़ना और याद करना नहायत जरूरी होता है students के लिए। Now I am going to make you understand the three examples so that you know how to make the sentence and how to write and where to write. He is as old as I am. वो इतना बूढ़ा है जितना कि मैं, यानी कि वो बिल्कुल मेरे जैसा है। उसकी उम्र कितनी है? जितनी उम्र मेरी है, like 40 years old. He is also like 40 years old. He works so that he can earn money. वो काम करते हैं ताकि वो पैसे कमा सके, अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सके। वो मेहनत करते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। She is old, but she is strong. She is old, but वो बूढ़ी है, लेकिन she is strong और वो ताकतवर भी। आपने देखा कि हमने किस तरह इन joining words को इस्तेमाल किया। इसी तरह ये तमाम joining words हम अपने sentences में इस्तेमाल करते हैं। आपने तकरीबन 15 examples अपनी कॉपीज में लिखनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग क्या होगी? कंजेशंस की, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन के बाद आप एग्जाम्पल इसी तरह उतारेंगे। अगर आपको किसी का कोई अल्फाज का वर्ड्स का मतलब नहीं आता तो आप क्या करेंगे, इसको डिक्शनरी से कंसल्ट करेंगे। आपके पास डिक्शनरी अगर बुक की सूरत में नहीं है तो आप गूगल यूज करेंगे। मोबाइल में सबके पास इंटरनेट होता है, वहां से आप सर्च का मतलब निकालेंगे और इस तरह के जो सेंटेंस है, तकरीबन 15 सेंटेंस आप अपनी
कॉपीज में लिखेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस थिंग दैट जॉइनिंग वर्ड्स आर यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस. जैसा कि मैंने आपको बताया है जॉइनिंग वर्ड्स क्या करते हैं, एक या एक से ज्यादा अल्फाज, एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेस को मिलाने में इस्तेमाल होते हैं. मिसाल के तौर पर जैसा मैं कहता हूँ माई नेम इज मंसूर एंड आई गो टू स्कूल, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस बनाया उसके बीच में एंड लगाया. ये एंड क्या है, वो ऐसा कंडीशन है, वो क्या कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा हूँ. मैं ये कहता हूँ वी पीपल गो टूगेदर बट वी डू नॉट टॉक, हम लोग साथ जाते हैं लेकिन बात नहीं करते. ये क्या थे, दो सेंटेंस थे. दो सेंटेंसेस में हमने बीच में बट का इस्तेमाल किया, बट क्या है, वो एज अ कंडीशन है. इसी तरह यहां पर लिखा है स्टिल, अब तक वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर बट शी हैज नॉट कम येट, हम अभी तक उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो अब तक नहीं आई है. हमने दोनों सेंटेंसेस में जॉइनिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया. इसी तरह because क्योंकि I am learning English because I want to go abroad, मैं English सीख रहा हूँ ताकि मैं बाहर बोल abroad जा सकूँ. इसी तरह so I would like to explain my things so as my teacher, my professor used to explain. इसी तरह why I am traveling while train got आउट ऑफ ऑर्डर, मैं सफर कर रहा था जबकि रास्ते में ट्रेन खराब हो गई. इवन सो, इवन भी यूज करते हैं और इवन सो भी यूज करते हैं. इवन सो आई रिफंडेड हिज मनी, मैंने उसके पैसे वापस कर दिए. आई रिफंडेड हिज मनी बट यू नो व्हाट हैपेंड, He did not understand that what happened. Even so, he asked me again, refund my money, gave my money back. When जो है हम जब के मतलब में इस्तेमाल करते हैं और कब के मतलब में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पे सिर्फ जब के मतलब में इस्तेमाल करके यानी कि affirmative sentences में यानी कि conditions में इस्तेमाल करते हैं. I was sleeping when I listened the voice of ringing the bell. मैं सो रहा था जब मैंने उसके अलार्म की आवाज सुनी. तो इसी तरह आप तमाम सेंटेंसेस के सेंटेंसेस बनाएंगे. ये जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं दीज आर द कंजेशंस, ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं. सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट यू आर सपोज टू कमेंट बिलो एंड व्हाट एवर यू वांट टू कमेंट, एंड रिमेंबर वन थिंग दैट योर कमेंट विल बी रीड बाय एनीबॉडी ऑल ओवर द वर्ल्ड. People are always in the habit of reading comments. Why they read the comments of somebody? Because before playing the video, they want to realize that does teacher know how to teach? They want to understand that am I supposed to watch this video or not? So that is why you must remember comment yourself. And remember one thing, you are supposed to mention your name so that you might be given 5 marks and half a exams. Thank you very much.